हेलो गाइस, जयपुर फ्लेक्सपो की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग खाने आए हैं मिसल पाव। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जयपुर के अंदर मिसल पाव मैंने काफ़ी जगह देखा नहीं मिला। तो यहाँ स्ट्रीट स्टाइल एक ये जगह है वैशाली में, वहाँ पे मिसल पाव मिलता है, तो ट्राई करते हैं। उससे पहले लोकेशन वगैरह आपको थोड़ी बताऊँ, वैशाली नगर के अंदर हूँ, ये फूड मार्केट है और यहाँ पर जो है हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके जो है जस्ट बिल्कुल सामने है। तो चलते हैं और हमारा मिसल पाव और भी कुछ अलग आइटम हो, जैसे कि मसाला पाव अलग आइटम है, दाबेली वड़ा पाव तो हम लोग खाते रहते हैं, तो ये दो आइटम लगवाते हैं। तो ये भैया हैं, क्या नाम है भैया आपका? रवि सिंह नाम है सर। रवि सिंह, हाँ। अच्छा, ये रवि सिंह जी है। तो सर वो मिसल पाव थोड़ा आप बताएंगे कहाँ पे है, कैसा होता है, क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे होता है ये। ओह क्या बात है। तो ये मिसल है अपना, मिसल पाव, ये मिसल। अच्छा, ये मिसल बोलते हैं इसको, मिसल, मिसल, MISL, मिसल पाव। तो ये महाराष्ट्र कैसे बनता है? महाराष्ट्र डिश है। अच्छा, हाँ, ये स्प्राउट का सब्जी आता है। अच्छा, अपना ग्रेवी तैयार करते हैं, फिर प्याज वगैरह डालते हैं, कोकोनट डालते हैं, ऐसे करके पूरा तैयार होता है। अच्छा, काफी बढ़िया लग रहा है देखने में। हाँ, टेस्टेड फील है, स्पाइसी होता है। हाँ, स्पाइसी होता है। अच्छा, तो एक, हाँ बताइए। हाँ, देखो अच्छा रिस्पॉन्स है अभी। अच्छा, हाँ ओके, तो ये लगाइए हमारे लिए। ओके। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने वड़ा पाव भी खाया है, दाबेली भी खाई है, उसका भी अच्छा टेस्ट वगैरह है। अब यहाँ का जो है अलग आइटम है जो मिसल पाव, वो ट्राई करते हैं। ये पाव दिया आपने? अच्छा जी, मिसल पाव आ गया अपना, एक प्लेट चाहिए अपने को ना। ये पाव है, अच्छा। पाव सिक रहा है, ये बटर में है, बटर में रेडी हो गया। इसमें मिसल आएगा हमारा, ये क्या डाला है? ये नमकीन है। अच्छा, फरसान बोलते हैं महाराष्ट्र में, फरसान, फरसान, फरसान डाल दिए। अभी ये ओनियन आएगा। अच्छा जी, प्याज आएगा, ओनियन आ गया। इसका ये मसाला होता है वड़ा पाव का, वो भी डाला जाता है इसमें। अच्छा जी, ये वड़ा पाव का मसाला आ गया, ये मिर्ची भी दी जाती है। क्या बात है। तो ये तैयार है पूरी प्लेट? तैयार। अच्छा, ये देंगे मेरे को आप थोड़ा? क्या इसकी कीमत क्या रहती है? 70 है इसकी, 70 रुपीज़। हाँ, बहुत बढ़िया, 70 रुपीज़ में आराम से मेरे को लगता है। हाँ, दो लोग खा सकते हैं, दो लोग खा सकते हैं इसको आराम से। चलिए, तो चलिए इसको जो है ट्राई करते हैं। भाई जी, हमारी मिसल पाव की जो है प्लेट आ गई है, अब जो है इसको टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल बटर के अंदर बिल्कुल सॉफ्ट जो है पाव है, ये हम लेते हैं। उसके साथ में ये देखिए, ये हमारी सब्जी है जो मिसल है, फरसान डाला हुआ है, साथ में ये वड़ा पाव के अंदर जो ये मसाला होता है ये भी देते हैं साथ में। तो ये सब्जी के साथ इसको हमेशा फ्राई करते हैं। ये देखिए आप, साथ में ये मिर्ची वगैरह भी है, इसको बाद में खाएंगे। और जो है टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा था, प्राइस वगैरह भी 70 रुपये के हिसाब से ठीक है, नई चीज़ है मतलब के। और स्पाइसी काफ़ी है, मैं उतना स्पाइसी खाता नहीं हूँ, तो बाकी जो लोग स्पाइसी खाते हैं उनके तो काफ़ी बढ़िया है। तो ये तो अच्छा था, अब जो है हमारा अगली जो डिश है वो लगवाते हैं। तो अंकल, अब जो हमारा अगला आइटम है मसाला पाव, वही बना दीजिए, ये उसी की हो रही है तैयारी? हाँ, उसी की। अच्छा, और अपने को कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 2011 से, 11 साल हो गए।
ये अपना पाव काटा, ये मसाला डाला, ये पैक हो गया इसमें, और ये बेसन में डीप हुआ। ओके, तेल में डीप कर रहा हूँ। तो ये भी वड़ा पाव और अपने जो दाबेली उसकी तरह निकलता है, फिर ये थोड़ा कम निकलता है। अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, अभी इसको एक खार दिया। अच्छा, इसमें ये गार्लिक का चटनी है। अच्छा, पुदीना है, ये इमली का चटनी है, ये चटनी है, ओनियन डाला है। अच्छा, ये प्याज आ गया, ये रेडी है अपना पूरा, ये रेडी। क्या बात है, इसका क्या कीमत है? ये इसका 40 रुपीस। तो 110 रुपए में शानदार नाश्ता हो गया अपना, ली है, काफ़ी टेस्टी थी वो भी। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यहाँ पे आके मिसल पाव खाने का प्लान बनाइए।